1993 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक के बाद एक बम धमाकों से गूंज उठती है और इन बम धमाकों में सीधा नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आता है। इन बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और हजारों लोग घायल होते हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड दाऊद भारत से पाकिस्तान भागने में कामयाब हो जाता है। भारत ने दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया हुआ है और वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में छिपा बैठा था। भारत ने पाकिस्तान को कई बार दाऊद को लेकर सबूत दिए, लेकिन आतंकी खेती करने वाले पाकिस्तान ने हमेशा से ही दाऊद की अपने यहाँ मौजूदगी कबूल नहीं की। हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि दाऊद को पालने पोसने में ISI और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का बड़ा हाथ है और 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के पीछे भी दाऊद का नाम सामने आया था। खुफिया एजेंसियों की माने तो दाऊद की डी कंपनी ने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। आपको बता दें कि दाऊद पिछले 30 सालों से कराची में छिपा बैठा है और अब उसकी उम्र करीब 67 साल हो चली है। दाऊद पाकिस्तान में ISI की कड़ी सुरक्षा में रहता है। दाऊद का घर किसी किले से कम नहीं है, बहुत कम लोगों को ही उसके घर में एंट्री मिल सकती है। कई बार उसके बीमार होने या परिवार में फंक्शन होने की बात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में दाऊद के नाम पर 3 मकान हैं। पाकिस्तान सरकार के दस्तावेजों में व्हाइट हाउस कराची शहर में दाऊद के 3 पतों में से एक है। ये घर दाऊद का लंबे समय तक ठिकाना रहा है। दाऊद का एक घर कराची की नूरबाद कॉलोनी में भी है। दाऊद का ये घर कराची के पहाड़ी इलाके में है। इसके अलावा भी कराची में उसके पास दूसरे घर होने की बात सामने आती रही है। कराची के समुद्र तट पर होने का फायदा वे पानी के रास्ते दूसरे देशों में जाने के लिए भी उठाता रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका ने दाऊद को आतंकी घोषित किया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसके अपने यहाँ पर होने की बात स्वीकार की थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दाऊद के पास रावलपिंडी के एक पते का पासपोर्ट भी है। UN के मुताबिक दाऊद 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय और UAE के पासपोर्ट रखता था। मुंबई हमलों के दौरान वो भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया था।